परंतु पाकिस्तान का नाम लेना बार बार इन हिंदुत्ववादी ताकतों के लिए, इन आरएसएसवादी ताकतों के लिए जरूरी है, क्योंकि ये मुस्लिम और हिंदू का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। पाकिस्तान का नाम लेना जरूरी है इस देश के अंदर। फिर किसने उनको उजागर किया? फिर किसने उनको कटघरे में खड़ा किया था? राजीव गांधी को? इस देश की प्रेस ने, जो इस देश के संविधान का, जिसको हम चौथा स्तंभ बोलते हैं, इस देश की प्रेस ने राजीव गांधी को कटघरे में खड़ा किया था। कौन सा था वो अखबार, कोई बता सकता है, जिसने राजीव गांधी को इस देश के कटघरे में खड़ा किया था? उस अखबार का नाम था इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस ने और उसके समूह ने राजीव गांधी को एक्सपोज किया था और कटघरे में खड़ा किया था। तो ये कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं, व्यवस्थाएं सशक्त रहेंगी, कायम रहेंगी, तब तक हमारे देश का प्रजातंत्र मजबूत रहेगा। और आज की तारीख में क्या हो रहा है, ये मैंने कहानी इसलिए सुनाई ताकि आज की तारीख में जो हो रहा है उसको भी आप समझें। आज की तारीख में हमारे संवैधानिक व्यवस्थाएं, संस्थाएं क्या कर रही हैं? सीबीआई का क्या हाल है, आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे उसको बिल्ली को सस्केर देते हैं ना, कर देते हैं, या कुत्ते को कर देते हैं, कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है, कभी कभार किसी की टांग भी पकड़ देता है जाके, इसी प्रकार सीबीआई को सस्केर देते हैं, कर देते हैं, वो भी किसी के पीछे पड़ जाती है, कभी किसी के घर में घुस जाती है, कभी कहीं पर रेड कर देती है। इस देश की आर्मी, इस देश की सेना, जो आज तक जितने भी हमारे कन्फ्लिक्ट हुए, जितनी भी हमारी आंतरिक समस्याएं आई, आर्मी ने कभी किसी नॉन सेकुलर पार्टी का साथ नहीं दिया। हमारी आर्मी हमेशा सेकुलर रही है, उसका चरित्र हमेशा सेकुलर रहा है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि आर्मी, जो हमारी इतनी सबसे मजबूत संवैधानिक संस्था है, उसका भी हिंदुत्वीकरण हो चुका है। उसका जो मुखिया है आज की तारीख में जनरल रावत, वो भी ऐसे बात करता है जैसे कोई आरएसएस का कच्छाधारी सेवक हो, ऐसे बातें करता है, इस प्रकार की स्टेटमेंट देता है जिस प्रकार के कोई वो गली का एक गुंडा हो, हमारी आर्मी का जो मुखिया है। और हर रोज कश्मीर में जाकर या कहीं दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान को ललकारता रहता है। ये पाकिस्तान क्या है भैया, हमारे आगे हमारा इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी मजबूत हमारी आर्मी है, 12 लाख से ज़्यादा हमारी आर्मी है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस है, हमारे देश का इतना बड़ा सशक्त प्रजातंत्र है, पाकिस्तान हमारे सामने क्या है? किसी ने मजाक में कहा था कि अगर हिंदुस्तान के सारे लोग मिलकर पेशाब भी कर देना पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान तो वैसे ही बह जाएगा। ये पाकिस्तान क्या है? परंतु पाकिस्तान का नाम लेना बार बार इन हिंदुत्ववादी ताकतों के लिए, इन आरएसएसवादी ताकतों के लिए जरूरी है, क्योंकि ये मुस्लिम और हिंदू का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। पाकिस्तान का नाम लेना जरूरी है। धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में रहकर इस देश, इस दुनिया को छोड़ूंगा नहीं, हिंदू धर्म में रहकर मरूंगा नहीं। और उन्होंने अपना कथन पूरा किया, मरने से पहले वो बौद्धमय हो गए, बुद्ध बन गए। इसी प्रकार बहुत से लोगों ने आपको आज की तारीख में समझाया है, और बहुत से आंकड़े हैं हमारे पास इस देश में। हमारी शिक्षा व्यवस्था, अभी हाल ही में पढ़ रहा था, दुनिया की पहली 300 यूनिवर्सिटी में हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे देश। रेटिंग के आधार पर हमारे देश की 300 यूनिवर्सिटीज में से एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। खैर, शिक्षा तो इस सरकार का, शिक्षा तो इनकी प्रायोरिटी नहीं है, इनकी प्राथमिकता ही नहीं है शिक्षा के बारे में। तो अभी तो आपने देखा ही होगा किस प्रकार उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में जो गरीब बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, किस प्रकार उनको नमक के साथ रोटी खिलाई जा रही है। ये इसी देश में हो सकता है? ये एक सरकारी स्कूल के अंदर मिड डे मील स्कीम में सूखी रोटी और नमक बच्चों को खिलाया जा रहा है, इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है इस देश की? मैं कहता हूँ बहुत शर्मनाक बात है। इसी बात पे ही मुझे लगता है मोदी जी को स्टेटमेंट देनी चाहिए। लेकिन मोदी जी तो स्टेटमेंट देंगे ट्रिपल तलाक पर, मोदी जी स्टेटमेंट देंगे
सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने पर, मोदी जी स्टेटमेंट देंगे स्वच्छ भारत अभियान पर, मोदी जी स्टेटमेंट देंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर, और ये नहीं कहेंगे कि कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हो चुका है निर्भया के बाद। 13,000 ऐसे केसेस हो चुके हैं, ऐसे मुकदमे ऐसे अपराध हो चुके हैं निर्भया के बाद, जो जिसमें बच्चियों को कई कई लोगों ने सामूहिक बलात्कार करके हत्याएं की, लेकिन उसके बारे में नहीं बोलेंगे, नारा जरूर देंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ज़्यादा क्या बोलूँ मैं तो यही कहूँगा कि जो एकता का प्रयास है ये कायम रहना चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहिए। और एक बात मैं कहना भूल गया, बस आखिरी बात है ये कि ये जो गठजोड़ है, ये जो इकट्ठ है, ये जो एकता है आज आपके सामने पेश की गई है, ये कोई किसी सामाजिक संस्थाओं की एकता नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों की एकता है। इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं, और राजनीतिक पार्टियों का धर्म क्या होता है, राजनीतिक पार्टियां किस लिए बनाई जाती हैं, राजनीतिक पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए बनाई जाती हैं। यदि आप सत्ता हासिल नहीं करेंगे, यदि हरियाणा में दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं फरवरी में, यदि आप सत्ता पर वार नहीं करेंगे, सत्ता को निशाना बनाकर अपनी रणनीति नहीं बनाएंगे, सत्ता के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर ये IRPF, RDA या एक और हमारे साथी हैं वाल्मीकि समाज के, उन्होंने DDA बनाया हुआ है, दिल्ली डेमोक्रेटिक अलायंस, वो हमारे साथी हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।